अस्सलामु अलैकुम क्लास, दिस इज़ योर टीचर मिसेस सोबिया अज़र फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एफ ब्लॉक सेटलर टाउन रावलपिंडी। सेकेंड ईयर वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस एंड इन द लास्ट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हमने ये देखा था कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ह्यूमंस में जो दो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो लिवर और किडनी होता है। लिवर का हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि लिवर क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस हैं, वो किस तरह एक्सक्रीशन और होम्योस्टेसिस में हेल्प आउट करता है। अब हम चल रहे हैं टुवर्ड्स द यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन में यूरिनरी सिस्टम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्या है। ह्यूमंस के यूरिनरी सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, वो क्या हैं? अ पेयर ऑफ किडनी, देन अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। उसके अलावा इसमें स्फिंक्टर मसल्स भी पाए जाते हैं विच आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड ब्लैडर। और हर दोनों किडनीज के ऊपर जो है स्मॉल एड्रीनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। आपको मैं एक टिप दूँ देना चाह रही हूँ कि जहाँ भी वर्ड रीनल यूज़ होगा वो रीनल मींस किडनी। अब आप आगे जब इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सा हर चीज़ के साथ रीनल का वर्ड लग रहा है। रीनल का वर्ड जो है वो किडनी से रिलेट करता है, किडनी को उसका मतलब होता है किडनी। अब आपने मेन जो है वो फंक्शंस कंपोनेंट जो हैं वो देख लिए हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो किडनीज हैं वो दो किडनीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और जो है हम किडनी के मुतल्लिक आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इन दोनों किडनीज से यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होके यूरेटर्स के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो इसको स्टोर करता है और फिर यूरिथ्रा जो है वो इसको टाइमली जो होता है इसको एक्सक्रीट आउट कर देता है फ्रॉम द बॉडी। ये तो एक जनरल सा है सारा रिव्यू है हमारे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का। अब जो है हम किडनी को डिटेल से और इसके बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन ऑफ किडनी। किडनी जो है ये हमारी डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल के अगेंस्ट लोकेटेड होती है। राइट किडनी जो होती है इट इज़ स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, ये थोड़ी सी नीचे होती है इन पोजिशन एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लिवर प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है। फिर वेट ऑफ द किडनी जो है वो क्या है कि लेस देन 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट। आपकी बॉडी का जितना भी वेट है उसमें उससे में तकरीबन 1% जो है वो किडनीज़ का वेट होता है, यानी इतना वो कम और छोटा वो ऑर्गन है। तो आपका बॉडी का वेट अगर जो है सपोज करें कि अगर 100 है तो 1 जो है वो किडनी का वेट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्लड सप्लाई। टोटल हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड सप्लाई होता है उसका 20% जो ब्लड सप्लाई है वो किडनी को जाता है एट ईच कार्डियक बीट, यानी हर धड़कन के ऊपर जितना ब्लड बॉडी को सप्लाई होता है उसमें से 20% जो है वो किडनी यूज़ करती है, किडनी को जाता है। अब उसके अलावा ये चंद और टर्म्स हैं, ये सारी जो टर्म्स हैं ये जब हम पार्ट्स ऑफ किडनी को पढ़ेंगे डिटेल में तो ये आपको समझ आएंगी कि ये क्या है। मैं एक जनरल सा आपको इनका रिव्यू दे देती हूँ। किडनी की जो शेप होती है वो बीन्स की तरह की शेप होती है, जिस तरह बीन टाइप शेप उसे हम कहते हैं वो किडनी की शेप है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इसकी फिगर भी दिखाना चाह रही हूँ, अगर आप देखें तो ये देखें ये किडनी की शेप है बिल्कुल एक बीन की तरह, ठीक है। और ये हमारी ये राइट किडनी है और ये लेफ़्ट किडनी है। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ इसमें आगे जो है वो चीज़ें आती हैं। पहला है रीनल कैप्सूल। किडनीज आर प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ फैट। ये जो किडनीज होती हैं इनके ऊपर जो है
वो एक रीनल कैप्स्यूल पाया जाता है, आउटर मोस्ट कवरिंग। ये लिपिड्स की लेयर होती है, फैट लेयर होती है, जो कि किडनी को प्रोटेक्ट करती है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज़ आती है रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। अब आप जब ये देखें किडनी की शेप को, तो आप ये देखेंगे कि जो इसका आउटर मोस्ट पोर्शन होता है डार्कर कलर का, वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और अंदर का जो लाइटर पोर्शन होता है, लाइट इन कलर, पेल इन कलर जो होता है, वो मेडुला कहलाता है। यहाँ भी रीनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर डार्क पोर्शन ऑफ किडनी एंड रीनल मेडुला इट इज़ द इनर लाइट कलर्ड पोर्शन ऑफ द किडनी। फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है रीनल पायरामिड। अब आप किडनी की शेप को देखें तो उसके मेडुला के अंदर जो है, मेडुला के अंदर ये जो पायरामिड टाइप शेप्स बनी हुई हैं, ये रीनल पायरामिड्स कहलाती हैं, और इसमें नेफ्रॉन्स वगैरह जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये रीनल पायरामिड्स कहलाते हैं, ये मेडुला में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद रीनल आर्टरी और रीनल वेन आ जाती है। आपको पता है आर्टरी और वेन से तो आप वाकिफ ही हैं। आर्टरी का काम है टू टेक द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी, और वेन का काम है टू टेक द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट। तो ये अब आप देखिए कि ये जो रेड कलर की है ये आपके पास रीनल आर्टरी है, और ये जो ब्लू कलर की है ये रीनल वेन है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आता है रीनल हाइलस। रीनल हाइलस इट इज़ द डिप्रेशन इन द किडनी शेप फ्रॉम विच द रीनल आर्टरी एंड वेन प्रोवाइड और टेक ऑफ द ब्लड सप्लाई। अब अगर आप किडनी की शेप को ज़रा ध्यान से देखें तो ये किडनी की शेप के अंदर ये एक डिप्रेशन सा बना होता है, जैसे बीन्स के अंदर नहीं एक साइड से गहरा सा डिप्रेशन सा बना हुआ होता है, इस एरिया को हम जो है वो हाइलस कहते हैं। ठीक है, ये डिप्रेशन को हाइलस कहते हैं, और इस हाइलस का काम क्या है कि यहाँ से रीनल वेन और रीनल आर्टरी जो है वो किडनी की तरफ जा भी रही होती हैं और उसमें से निकल भी रही होती हैं। अगली चीज़ आ जाती है पेल्विस। पेल्विस जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ किडनी, ये थोड़ा सा इसको ऐसे देख लें। नाउ पेल्विस इज़ द पार्ट ऑफ किडनी वेयर यूरिन इज कलेक्टेड। पेल्विस जो है वो किडनी का वो पार्ट है जहाँ पर के यूरिन को थोड़ी देर के लिए वो कलेक्ट करके रखती है किडनी अपने अंदर, और फिर जो है वो उसको आगे यूरिटस के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ द यूरिट्रल ओरिफिसेस। अब ये यूरिट्रल वर्ड है, यानी ये यूरिथ्रा से, ये यूरिटर से निकला है, यूरिट्रल ओरिफिसेस। नाउ दीज आर द पॉइंट्स इन द यूरिनरी ब्लैडर वेयर फ्रॉम बोथ यूरिटर्स पोर द यूरिन इन द ब्लैडर। ये वो जो पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ से दोनों यूरिटर्स जो हैं वो ओपन होते हैं। अब आप इसको यहाँ से देखिए तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास जो है ये यूरिटर्स आ रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये वाले जहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर से खुल रहे हैं वो कहलाते हैं यूरिथ्रल ओरिफिसेस। ठीक है, जहाँ पर ये यूरिटर्स जो हैं इसमें खुल रहे हैं। फिर अगली चीज़ आती है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिसेस। यूरिटर्स और यूरिथ्रा में डिफरेंस है, ये यूरिथ्रल ओरिफिसेस है, पॉइंट फ्रॉम वेयर द यूरिन इज़ एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। फीमेल्स में ये वजाइना के नज़दीक होता है और मेल्स में ये पीनस के नज़दीक होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो है यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये कहलाता है यूरिथ्रल ओरिफिस। ये अब मैंने आपको एक जनरल सारी इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन दे दी है। इस चार्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझना।
तो फिर मैं आपको अब मज़ीद जो है इसको एलेबोरेट कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो, ताकि ये आपको जो है ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। तो अब ये चीज़ जो है ये है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम, ठीक है जी। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ये आपकी बुक की फिगर 15.10 है। इसमें अगर आप हम सब सारा सिस्टम देखें तो ये आपके पास जो है वो किडनीज़ आ जाती हैं। किडनीज़ के ऊपर की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कैप्सूल है, ठीक है। कैप्सूल के बाद ये जो ब्लू है ये हमारी मेन इन्फीरियर वेना कैवा, जो हमारी बॉडी की मेन वेन है, और ये एब्डोमिनल एरोटा जो हमारी बॉडी की मेन आर्टरी है। इसमें से रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है वो हिलस जो पॉइंट है, डिप्रेशन वाला पॉइंट किडनी का, उसके ज़रिए किडनी के अंदर जा रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट होता है यहाँ पर पेल्वस, जिसे हम कहते हैं रीनल पेल्वस। इसका काम क्या है कि इसने थोड़ी देर यूरिन को अपने अंदर स्टोर रखना होता है। फिर यहाँ से ये दोनों किडनी से लेफ़्ट और राइट जो है ये यूरिटर्स निकलते हैं। इन दो ये ट्यूब स्ट्रक्चर होते हैं, इनका काम जो है यूरिन को जो है वो ब्लैडर तक लेके आना है। फिर ब्लैडर जो है इसमें वो जो पॉइंट होता है जहाँ पर के ये यूरिटर्स जो हैं ब्लैडर में खुलते हैं, उसे हम यूरिट्रल ऑरिफिसिस कहते हैं। ये ब्लैडर का काम है टू स्टोर द यूरिन, और फिर उसके बाद ये यूरिथ्रा एक ट्यूब है जिसके ज़रिए ये एक्सक्रीट आउट कर देता है बॉडी से यूरिन को, और वो पॉइंट जहाँ से ये एक्सक्रीट आउट करता है वो एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिसिस कहलाता है। ये तो पूरा ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। और इसी तरह जब हम किडनी की भी ज़रा डायग्राम पे गौर करेंगे तो किडनी का जो आउटर मोस्ट पोर्शन है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर का पोर्शन लाइटर मेडुला होता है, उसके अंदर ये पायरामिड्स की शेप के रीनल पायरामिड्स पाए जाते हैं। रीनल हाइलस वो जगह है जहाँ पे ये आर्टरी और वेन जा रही है। फिर उसके बाद ये पेल्वस वो डिप्रेशन है जहाँ पे यूरिन ने रहना, और फिर इसमें से ये यूरेटर निकल रहा है। होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, शुरू में जो मैंने एक चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था आप उसको ज़रूर फॉलो करें, तो आपको जो है हर चीज़ आसानी से याद हो जाएगी और क्लियर समझ आ जाएगी। तो टास्क आपका वही है कि आपने जो है इसके बनाने हैं एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं, और वो आपने मुझे भेजने हैं। तो बाकी ये है कि टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना बहुत ध्यान रखिए और साथ ही अपनी पढ़ाई का भी बहुत ध्यान रखिए। एंड इंशाल्लाह ताला अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।